छत्तीसगढ़ की ताजा खबर में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, झूला झूलते झूलते साड़ी बन गया फंदा। बच्ची की मौत, माँ बाप गए थे बाहर, भाई दूसरे कमरे में था, खेल खेल में चली गई लड़की की जान। सूरजपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक बच्ची झूले में झूल रही थी, उसी दौरान कब झूले के लिए बनाया गया फंदा उसके लिए फांसी का फंदा बन गया, किसी को पता नहीं चला। घटना के वक्त बच्चे के माता पिता घर से बाहर गए हुए थे, भाई ने बच्ची को फंदे पर लटका हुआ देखा था। मामला रामानुजगंज थाना क्षेत्र का है। माता पिता ने बच्चों के खेलने के लिए घर में साड़ी का झूला बनाया था, उसी झूले में परशुरामपुर निवासी सुखदेव सिंह की 12 साल की बेटी रितिका सोमवार दोपहर को झूल रही थी। वहीं उसका बड़ा भाई दूसरे कमरे में था, माँ बाप खेत में काम करने गए थे। बताया गया कि खेलने के दौरान ये हादसा कब हो गया, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। रितिका 7वीं कक्षा की छात्रा थी। बच्ची के भाई ने बताया कि मैंने ही रितिका को साड़ी के झूले के लिए बनाए गए फंदे पर लटका हुआ देखा, वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके बाद मैंने माँ बाप को सूचना दी, सूचना मिलने पर माँ बाप पहुँचे, जिसके बाद उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसकी हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर रेफर किया गया था, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद से माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वे खुद को कोस रहे थे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने साड़ी का झूला बनाया। वहीं इस केस में अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है, यहां से केस को रामानुजगंज थाने भेजा जाएगा। मामले में जांच जारी है। बच्ची के शव का मंगलवार को ही पोस्टमार्टम किया गया है।